वेलकम बैक इन आफरीन का किचन। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे स्नैक्स की एक ऐसी शानदार वेराइटी जिसे देखते ही आप बनाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, चटपटे, स्वादिष्ट और बहुत ही खस्ता मेट समोसे। गाइस, समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ वे बहुत ही यूनिक है। इसमें हमने जो फिलिंग भरी है उसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। टेस्टी फिलिंग के साथ खस्ता करारी मेट डिज़ाइन जो हमारे समोसे के टेस्ट को और इसके शेप को 10 गुना तक बढ़ा देती है। तो गाइस, इस टेस्टी मेट समोसे की पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे, अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। गैस को ऑन करेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें डालूंगी 1 चम्मच धनिया, जिसे मैंने हल्का मोटा क्रश कर लिया है। इसी के साथ 1 चम्मच सौंफ, आँच को हम बिल्कुल कम कर देंगे, अच्छे से हिला लेते हैं। तो ये देखिए, सूखे मसाला हमारा अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याज ली है और 2 हरी मिर्च ली है जिन्हें बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो इसे तेल में डाल देते हैं। और इसी के साथ में इसमें डालूंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसे बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया है। तो डाल देते हैं तेल में, अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से हिला लेते हैं। हमारी प्याज हरी मिर्ची भून रही है, साथ में इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता। तो मैंने यहाँ ढेर सारा कड़ी पत्ता लिया है जिन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इसी में डाल दें, जिससे कि फ्लेवर जो है हमारे मसाले में अच्छे से मिल जाएगा। तो इसमें भून लेते हैं। तो प्याज और हरी मिर्ची का भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है, तो इसमें डालूंगी मटर। तो यहाँ मैंने लगभग 1/2 कप मटर लिया है, तो इसमें डाल देते हैं। तो देखिए, सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, तो आँच को हम कर लेंगे बिल्कुल कम। और इसमें आप डालेंगे थोड़ा सूखे मसाले। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच सूखा पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालूंगी काला नमक, 1/2 चम्मच डालूंगी गरम मसाला, 1 चम्मच डालूंगी इसमें अमचूर पाउडर। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ध्यान हमें यह रखना है कि आँच को हमें बिल्कुल कम करना है, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। तो ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। तो इसमें हम डाल देंगे अब आलू। देखिए, यहाँ मैंने 4 से 5 जो नॉर्मल साइज़ के आलू होते हैं उन्हें उबाल लिया और अच्छे से मैश कर लिया है छील के। तो इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसी के साथ में इसमें डाल दूंगी एक सीक्रेट चीज़ जो कि इसके टेस्ट को 10 गुना तक बढ़ा देगा, और वो चीज़ है ये ओरिगानो। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच ओरिगानो। तो आप चाहे तो मिक्स हर्ब वगैरह जो आपको मिल सकती है वो आप डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक मिर्च वगैरह चख लीजिए, जो भी कम ज़्यादा हो आप ऐड कर सकते हैं। तो बस ये मसाला अच्छे से मिल चुका है। तो लगभग 5 से 7 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने रख देंगे इसे। तो देखिएगा, ये सारा मसाला अच्छे से हमारा पक चुका है। तो बस गैस को कर लेते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम समोसों के लिए मैदा तैयार करेंगे, उसके लिए मेरे लिए परात, इसमें रखेंगे एक छलनी और इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ मैं 3 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप मैदा लेंगे, पहले छान लेंगे, अब 2 कप मैदा लेंगे और इसको भी छान लेंगे, और यह मैंने ली 3 कप मैदा। तो टोटल मैं 3 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है कि इसके बीच में थोड़ा सा गैप करना है और हमें डालना है मोयन। तो मोयन के लिए मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पहले 1/4 कप तेल लिया, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और ले लेंगे। तो इसमें डाल देते हैं मोयन के साथ में। इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ अजवाइन। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है। तो अच्छे से हम क्या करेंगे, इस तरह हथेली के बीच में लेंगे और इस तरह मसलते हुए अजवाइन को डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ के आता है। हम इसमें डाल दूँगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे अच्छी तरह मसलना है। तो इस तरह सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें हथेलियों का इस्तेमाल करना है। तो हमें इस तरह उठाते हुए इसे मसलना है, जिससे कि मोयन सारे मैदा में एक जैसा मिल जाए। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मोयन मिला लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि मोयन परफेक्ट हुआ है या नहीं। तो परफेक्ट मोयन चेक करने का तरीका ये होता है कि मोयन जब हमें मिक्स कर लें तो उसके बाद हमें इस तरह उठाना और इसकी मुट्ठी बना के देखना है। देखिए, हल्की बिखर रही है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा मोयन कम है। तो इसमें लगभग 1 से 2 चम्मच तेल और डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 2 चम्मच तेल और डाल रही हूँ इसमें।
इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए आप इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए जब हम इसकी इस तरह मुट्ठी बना रहे तो बिल्कुल परफेक्ट मुट्ठी बन रही है, और जब हम इसे तोड़ेंगे हाथ से तभी टूटेगी, तो इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या है, इसका एक डो बना के तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर पानी लिया है, नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका डो बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल लग के तैयार हो चुका है, एकदम सॉफ्ट आटा तैयार किया हमने। तो पानी आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया था, इसमें लगभग अभी भी 2 चम्मच करीब पानी बचा हुआ है। तो ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से लग चुका है। तो इसको ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो 10 मिनट हो गया मैं आटे को रखे हुए, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से हमारा सेट हो चुका है आटा, तो एक बार इसको मसल लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर एक कटोरी में मैदा लिए, मतलब 1 चम्मच मैदा लिया और पानी डाल के उसका अच्छा सा घोल बना के तैयार कर लिया, जिसे स्लरी बोलते हैं। तो ये हम समोसों को चिपकाने के लिए काम में लेंगे, आप चाहे तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमने एक कटोरी में जो हमने आलू का मसाला स्पेशल तैयार किया था उसको रख लिया है, बाकी मसाला हमारा कढ़ाई में रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सूखी मैदा। तो इस परात पर थोड़ी सूखी मैदा डाल लेते हैं, जिससे कि हमारे जो समोसे की रोटी उसे बेलने हमें तकलीफ ना हो। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना हम रोटी बनाते हैं उतने साइज का एक लोया इसमें लेंगे। अब आप सोचेंगे कि समोसे के लिए इतना बड़ा लोया तो क्या होगा कि हमें रोटी बेलना है, लेकिन उसके बाद में हम जब एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर देंगे। तो अब इसे हमें लंबा या चौकोर टाइप का बेलना है, तो बेलन लेंगे और इसको बेल लेंगे। तो जहाँ तक कोशिश हो आप यही कीजिए कि थोड़ा थोड़ा लंबा साइज में बेल सके। तो देखिए हमने रोटी को बेल लिया है, अब हमें क्या करना है कि इसको चौकोर पीस में कट करना है। तो उसके लिए आप चाहे तो इस तरह का पिज्जा कटर भी ले सकते हैं, या चाहे तो आप चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें इसे एक चौकोर शेप देना है। तो एक्स्ट्रा जितना भी मैदा इसे हटा देते हैं। तो ये देखिए हमारा एक चौकोर पीस तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसका मतलब जो बीच का हिस्सा, मतलब इतना सा हिस्सा हमें साबुत रखना है, बाकी इस पर कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से, तो सबसे पहले इसके बीच में कट लगाएंगे इस तरह, फिर एक कट यहाँ ऊपर से लगाएंगे, एक कट यहाँ नीचे से लगाएंगे और एक कट इधर से लगाएंगे। तो इस तरह हमने 4 कट लगा दिए, लेकिन बीच में से हमने इसे साबुत छोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई सा भी एक हिस्सा ले लीजिए जिस पर हमें मसाला रखना है। तो हमने इस हिस्से पर मसाला रख दिया है, आसपास थोड़ी जगह छोड़ेंगे जिससे कि हमें चिपकाने में आसानी हो। तो हम अब लेंगे सिलेरी, तो इस तरह चारों तरफ लगाएंगे जिससे कि हमारा जो समोसा है वो तेल में जाके खुले नहीं और अच्छे से चिपक जाए। अब ये वाला हिस्से पे हमने जब मसाला रखा है तो इसके जो सामने वाला हिस्सा उसको हम उठाएंगे और इस पर चिपका देंगे अच्छे से। तो ये काम आपको ध्यान से करना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको चिपका दिया है। तो यहाँ तक का हमारा समोसा बिल्कुल परफेक्ट पैक हो चुका है। तो अब हमें इसके ऊपर मेट की डिज़ाइन बनानी है। तो मेट की डिज़ाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 2 हिस्से हमारे पास बचे हुए हैं इसमें क्या करेंगे, इस वाले हिस्से में हम ऊपर की तरफ कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस वाले हिस्से पर हमने ऊपर की तरफ कट लगाया, और ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर हम इधर की तरफ कट लगाएंगे। तो चाकू लेंगे, तो देखिए हमने कट लगा लिए हैं अच्छे से, आपको दिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर मैट की डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि इस तरह सिलेरी लेंगे और इस तरह जो ये सभी लाइनें हैं सभी के ऊपर लगा देंगे जिससे कि चिपकाने में आसानी रहे। ये देखिए, और ये जो चारों तरफ के इसके किनारे हैं इसको भी हम अच्छे से सिलेरी लगा देंगे। अब एक हिस्सा उठाएंगे और इस पर इस तरह रखेंगे,
चिपका देंगे। इसी के साथ ये दूसरा वाला हिस्सा उठाएंगे और इसको भी चिपका देंगे। इसी तरह दूसरा वाला हिस्सा उठाएंगे और उसको भी चिपका देंगे। तो इसे उठाते हुए हमें सभी हिस्सों को इस पर चिपका देना है। देखिए बहुत ही आसान होता है इसे बनाना, सिर्फ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपका। और जो बचगी लाइन इसे भी हम चिपका देते हैं। तो देखिए गाइस, उठाने के बाद अगर हमें लगता है कि कहीं से ये खुला हुआ है तो हम इस तरह उठाते हुए इसको हल्के हल्के हाथ से चिपका देंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा समोसा अच्छे से चिपक जाए। देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन बना है। तो इसी तरह हम बाकी के समोसे भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, कितना प्यारा हमारा समोसा बनके तैयार हुआ है। तो देखिए गाइस, ये हमने यहाँ पर चार समोसे पहले तैयार कर लिए, तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, समोसा तलने के लिए हमने तेल कढ़ाई में डाल के रख दिया है। तो हमेशा समोसे तलते वक्त मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्का गर्म होना चाहिए। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मतलब मैदा लेंगे और इस पर डाल के देखेंगे। ये देखिए अच्छे से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं इसमें, इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो गैस को कर लेंगे हम बिल्कुल कम। और जो हमने समोसे बना के तैयार किए हैं, इन समोसों को लेंगे और एक एक समोसे को उठाकर इस तरह तेल में डाल देंगे तलने के लिए। तो पहले लगभग 5 से 7 मिनट तक हम एक साइड को अच्छे तल लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हल्का सा इन्हें हिला लेते हैं। तो इस तरह झर होती है हमारी, अच्छे से इसको नीचे चलाते हुए जगह छुड़ा देंगे। तो 5 मिनट और हो गए इन्हें रखे हुए, तो इन्हें पलट लेते हैं। तो अच्छे सावधानी से हम इन्हें पलट लेंगे, जिससे कि हमारे समोसों का जो शेप है वो भी बिगड़े नहीं। तो ये देखिए दोनों तरफ अच्छे सुनहरी तल चुके हैं। तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो अच्छे से साइड में रखेंगे तो जिससे एक्स्ट्रा तेल वापस चल जाएगा। तो देखिए बढ़िया से हमने बाहर निकाल लिया इन्हें। इसी तरह बाकी के समोसे भी तैयार कर लेंगे। तो आइए गर्म गर्म समोसों को सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है सर्विंग प्लेट। तो इसमें हमारे तैयार मेड समोसे रख लेते हैं। देखिए गाइस, कितने ज़्यादा हमारे समोसे सुंदर दिख रहे हैं। तो इन समोसों को मैंने सर्व किया है इमली खट्टी मीठी चटनी और हरा धनिया और पुदीने की खट्टी चटनी के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है शानदार स्वादिष्ट चटपटे खस्ता एकदम हलवा स्टाइल खस्ता मेट समोसे। गाइस, आपने देखा कि इन्हें बनाना कितना आसान है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी आसानी से टेस्टी मेट समोसे घर में बना सकते हैं। तो गाइस, आप इन्हें किसी भी पार्टी में, ओकेशन पर, त्यौहार पर या इफ्तार में बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी समोसे बनके तैयार होते हैं। तो आपको हमारी ये शानदार रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं गाइज इस तरह के एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।